हे गाइस हाय, दिस इज़ मी शाइनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है फीमेल इंटीमेट हाइजीन के ऊपर। और इंटीमेट केयर हमें ज़रूर करना चाहिए एंड उसका नॉलेज भी हम सबको होना ज़रूरी है। हम लोग अक्सर कहीं पर पार्टी पर या फिर किसी भी फंक्शन या फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, किसी भी बर्थडे पार्टी, कहीं पर भी हम लोग जाते हैं ना, तो अपनी मम्मा को ज़रूर पूछते हैं कि क्या पहन कर जाए। इनफैक्ट मैं तो पूछती ही हूँ कि कौन सा ड्रेस पहने, उसके साथ कौन सा शूज़ अच्छा रहेगा, फिर उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी कौन सी पहननी है। स्पेशली वेडिंग इन्विटेशंस पे जाने से पहले तो मैं अपनी मम्मी की सलाह हमेशा लेती हूँ, लेकिन इतनी लाइफ के छोटे छोटे जगह पर जाने के लिए या फिर छोटे छोटे किसी भी डिसीशंस के लिए जब हम अपनी मम्मी से पूछते हैं, देन इतनी बड़ी एक टॉपिक विच इज़ इंटीमेट केयर, उसके बारे में हम क्यों नहीं पूछ सकते अपने मम्मी से, उसके बारे में उनका सलाह हम क्यों नहीं ले सकते। इसीलिए मैंने अपनी मम्मी से पूछा अबाउट इंटीमेट हाइजीन एंड उन्होंने मुझे कुछ पॉइंट्स बताए हैं, उसको मैं डेफिनेटली फॉलो कर रही हूँ। एंड उसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी बताया है कि कौन सा सैनिटरी नैपकिन उनके हिसाब से अच्छा रहेगा, उनके हिसाब से वो अफोर्डेबल भी है एंड उसे इस्तेमाल करना काफ़ी बेनिफिशियल भी है। एंड ट्रस्ट मी, जब से मैंने अपनी मम्मी के चॉइस को अपनाया है तब से आई एम स्ट्रेस फ्री। पीरियड्स आर सो कम्फर्टेबल दीज डेज, क्योंकि मैंने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है ये थैंक्स मॉम के सैनिटरी नैपकिन्स। अब इनमें क्या खासियत है वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। ये दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है। पहला वाला है ये वाला, जो कि रेगुलर टाइप से, लेकिन रेगुलर से थोड़ा सा ज़्यादा साइज़ है इसकी। इसका जो साइज़ है वो है 240 mm, विच इज़ अ लिटिल बिट ग्रेटर दैन रेगुलर साइज़। और इसका जो साइज़ है वो है 280 mm, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, जो आप नाइट टाइम में डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने हेवी फ्लो डेज पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों वेरिएंट्स में आते हैं, लेकिन इन दोनों में ही आपको 7 सैनिटरी नैपकिन्स मिलेंगे। प्राइस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसका जो प्राइस है, जो ये नॉर्मल वाला है, इसका प्राइस है 29 rupees ओनली फॉर 7 सैनिटरी नैपकिन्स एंड इसका प्राइस है 39 rupees, जिसमें आपको इतने लॉन्ग विंग्स मिल रहे हैं एंड उसके साथ साथ इसका जो लेंथ है वो भी 280 mm है। अब बात करते हैं इसके विंग्स की, जो कि मुझे बेस्ट पार्ट लगी, जो मुझे मार्केट में किसी भी अदर ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स में नहीं दिखी, वो है कि जब आपका लेंथ इंक्रीज़ होता है ना, उसके साथ साथ विंग्स उतना ज़्यादा वो ज़्यादा नहीं देते, जिससे दिक्कत हो सकते हैं, लीकेज भी हो सकती है। बट यहाँ पर आपको विंग्स साइज़ भी ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब ये जो है ये नॉर्मल साइज़ से थोड़ा सा लेंदी है। इसमें आपको 20% एक्स्ट्रा विंग्स मिल रहे हैं एंड इसका जो साइज़ है वो नाइट टाइम के लिए परफेक्ट रहेगा। ये काफ़ी लंबा है तो इसमें आपको 30% एक्स्ट्रा विंग साइज़ मिल रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। इसमें लीकेज की जो डर है वो 0% रहेगी एंड ट्रस्ट मी, इनके जो क्वालिटी है दैट्स सुपर्ब, क्योंकि इसके अंदर नैनो सिल्वर टेक्नोलॉजी है, अल्ट्रा थिन है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ वेयर किया है, कुछ भी अनकम्फर्टेबल नहीं फील होता है, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। उसके साथ साथ रैशेज़ की प्रॉब्लम भी आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 100% कॉटन है, दैट्स द बोनस पॉइंट। और आपको इचीनेस, रैशेस, इरिटेशन, इन सब की प्रॉब्लम भी नहीं फेस करनी पड़ेगी। इसमें फार इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, नेगेटिव आयन है एंड एक्स्ट्रा अब्सॉर्बेंट प्रॉपर्टी है। सो आई थिंक ये जो सैनिटरी नैपकिन्स है ये डेफिनेटली आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज इसके जो प्राइस है वो भी इतने अफोर्डेबल साइड में है। टीनेजर्स कैन डेफिनेटली यूज दिस, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा यू नो हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें ये 100% कॉटन है, इसमें रैशेस एंड इरिटेशन के डर भी नहीं है, लीक प्रूफ है, एट द सेम टाइम अफोर्डेबल है, जो मुझे इसकी प्लस पॉइंट लगी, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसमें जापानीज जेल विथ एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी भी है, विच इज़ अगेन अ बोनस पॉइंट। तो अगर आप इन सैनिटरी नैपकिन्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, मेक श्योर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इन दोनों में जो ऑरेंज एंड ब्लू वेरियंट है, जो साइजेस का अंतर है, जो डिफरेंस है साइजेस में, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सो आई थिंक अगर आप हेवी फ्लो डेज में या फिर आप नाइट टाइम में इस्तेमाल करना चाहते हैं, देन ब्लू वेरियंट को आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर अगर आपको रेगुलर
बेसिस पर इस्तेमाल करना है देन आप जो ऑरेंज वेरिएंट है उसे ट्राई कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, डू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एक बार अपनी मम्मी के चॉइस का भी इस्तेमाल करके देखिए. यू गोना लव दिस एंड आई वॉन्ट टू थैंक्स मॉम ब्रांड क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इतना अच्छा उन्होंने उनका थॉट प्रोसेस है. प्रोडक्ट्स भी इतने अच्छे हैं, इतने कम्फर्टेबल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर गर्ल्स आउट देयर. सो या दीज आर रियली गुड एंड मैं पर्सनली इन्हें इस्तेमाल भी करती हूँ. दैट्स वाई मैं रिकमेंड कर रही हूँ आप सबको. एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा. वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आज के लिए इतना ही. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बाय.